इसराइल ने हिजबुल्ला के खात्मे के लिए लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बहुमंजिला इमारत पर एक ऐसा बम गिराया जिससे वो पलक झपकते 2 सेकंड में जमींदोज हो गई। आरोप है कि इस इमारत पर हिजबुल्ला का कब्जा था। विशेषज्ञों का कहना है कि इसे ध्वस्त करने के लिए इसराइल की सेना ने स्मार्ट बम का इस्तेमाल किया था। आइए जान लेते हैं कि स्मार्ट बम है क्या और कितने घातक होते हैं ये भी कि दुनिया में कितनी तरह के बम होते हैं, कितने हाईटेक हो गए और उनके नाम क्या है। इसराइल ने बेरूत में इमारत ध्वस्त करने के लिए जिस स्मार्ट बम का इस्तेमाल किया उसका रंग ग्रे था। विशेषज्ञ इसे इसराइल की सेना के शस्त्रागार के सबसे शक्तिशाली विस्फोटकों में से एक बता रहे हैं। मीडिया में विशेषज्ञों के हवाले से आई खबरों के मुताबिक स्मार्ट बम वास्तव में एक गाइडेड बम है जिसे लॉन्च करने के बाद लक्ष्य के बचने का कोई चांस ही नहीं होता। विशेषज्ञों का कहना है कि इसराइल के इस स्मार्ट बम को लड़ाकू जेट से लॉन्च किया जा सकता है और इसराइल की सेना ऐसे बमों का इस्तेमाल अक्सर दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए करती है। इससे 60 किलोमीटर दूर से भी निशाना साधा जा सकता है। बेरूत में गिराया गया बम का वजन 2000 पाउंड बताया जा रहा है। इसमें इसराइल में बनी स्पाइस किट लगी थी जिससे बम सीधे लक्ष्य पर ही जाकर गिरा। इस बम में घातक होने की एक और बड़ी वजह यह है कि दिन रात खराब मौसम और जीपीएस पर रोक वाले इलाकों में भी इसे सटीक निशाना लगाया जा सकता है। बेहद मारक क्षमता वाले स्मार्ट बम पिन पॉइंट को हिट करने में सक्षम है। दुनिया में कई तरह के बम बनाए जा चुके हैं जिनका क्लासिफिकेशन इस्तेमाल और विस्फोटक सामग्री के आधार पर किया जाता है। इनमें विस्फोट यानी विध्वंस बम, परमाणु बम, सामान्य प्रयोजन बम, कवच भेदी बम और आग लगाने वाले बम यानी फायर बम शामिल है। परमाणु विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन से बने बम के आमतौर पर परमाणु बम कहा जाता है। वही परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन से बने हथियार थर्मो न्यूक्लियर बम और हाइड्रोजन बम के नाम से जाने जाते हैं। सामान्य परमाणु बम के मुकाबले हाइड्रोन बम की विनाशक क्षमता 100 से 1000 गुना तक अधिक होती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का यूरेनियम 235 से बना परमाणु बम एनोला गे नाम के एक बोइंग B-29 सुपर फोर्टिस बम वर्षक विमान से गिराया गया था। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को जापान शहर नागासाकी पर अमेरिका ने बॉक्सकार नाम के B-29 बम वर्षक विमान से फैट मैन नामक प्लूटोनियम 239 से बना परमाणु बम गिराया था। इन दोनों से हुई तबाही पूरी दुनिया आज भी याद करती है और तब विस्तारवादी नीति पर चलने वाला जापान घुटनों पर आ गया था। इनके अलावा अमेरिका ने प्रशांत महासागर में जापानी क्षेत्र के बिकिनी एटॉल पर ब्रावो नामक 17 मेगाटन के हाइड्रोजन बम को भी गिराया था जिससे जापानी मछली पकड़ने वाले नाव लकी ड्रैगन और रोंगिलैप और उटिरिक के लोग काफी प्रभावित हुए थे। अमेरिका ने भले ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम बरसाए हों पर दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु बम रूस के पास है। अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा में रूस ने साल 1961 में ज्वार बम नामक परमाणु बम का परीक्षण किया था। इस विस्फोट को तब 1000 किलोमीटर दूर से देखा गया था और इसका असर आज भी देखा जा सकता है। यूक्रेन से युद्ध के दौरान रूस अक्सर उस पर ग्लाइड बम से हमला करता है जिसका जवाब यूक्रेन के पास नहीं होता। ये भी एक तरह का स्मार्ट बम ही है जिसे फाइटर प्लेन से गिराया जाता है। फाइटर जेट से छोड़े जाने के बाद ग्लाइड बम में लगे पंख खुल जाते हैं और ये ऑन बोर्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की मदद से अपने टारगेट तक पहुँचता है। छोटे आकार के ये बम प्रोपल्शन का उपयोग नहीं करते, ना ही इससे हीट सिग्नेचर जनरेट होते हैं, इसलिए रडार की पकड़ और भी ज्यादा आसान होती है। भारत में भी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने लंबी दूरी का ग्लाइड बम विकसित कर लिया है। इसे गौरव नाम दिया गया है। इसका वजन 1 टन और रेंज 100 किलोमीटर। इसी तरह के तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।